नमस्ते, आज के वीडियो में मैं आपको पूरियां बनाना बताऊंगी। पूरियां वैसे तो हर घर घर में खाई जाती है, बहुत सिंपल तरीके से बनाई जाती है, लेकिन उन्हीं पूरियों को आज मैं एक बहुत ही हेल्दी रूप देने जा रही हूं और मैं उसमें कई तरीके की चीजें इस्तेमाल करूंगी। सबसे पहले है ये है बीटरूट। जी हाँ, मैं बीटरूट की पूरी भी बनाऊंगी, साथ ही है ये पिसा हुआ पालक, इसकी भी हम पूरी बनाएंगे, और हमने लिए हल्दी, इससे भी हम पूरी बनाएंगे। तो आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें और किस तरह से ये पूरियां बनाई जाती है एकदम सॉफ्ट और फुली फुली, वो मैं आपको उसकी सारी ट्रिक्स बताती जाऊंगी। तो हम इन चीजों को यूज करते हुए अलग अलग एक डो बना लेंगे। उसके लिए हमने एक प्याला गेहूं का आटा लिया है, इस तरह से एक परात में हम इसे डाल लेंगे। साथ ही इसमें आधी छोटी चम्मच हम नमक की मिला लेंगे, और हम पूरी बनाने जा रहे हैं तो इसमें अजवाइन जरूर ही डालेंगे। तो ये मैंने आधी छोटी चम्मच अजवाइन ली है, इसको हम हथेली में इस तरह से लेके और अपने दोनों हाथों की सहायता से हल्का सा क्रश कर लेंगे, और अब इस आटे में हम इसे मिला लेंगे। अजवाइन से इन पूरियों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो सबसे पहले मैं इस नमक को अच्छी तरह से इन आटों में हम मिला लेंगे हाथों की सहायता से, और जो हमने ये बीटरूट का पल्प तैयार किया था इसको मैंने महीन महीन टुकड़ों में काट कर अच्छी तरह से पहले छील लिया है, फिर इनको महीन टुकड़ों में कट कर प्रेशर कुकर में करीब 2 सीटी आने तक हम इसे उबाल लिए, और फिर इसको मिक्सी में हमने ग्राइंड कर लिया। तो ये एकदम स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो अब इसी पेस्ट को हम इस आटे में मिला लेंगे, जितनी जरूरत है उतना ही मिलाए, क्योंकि आटा हमें थोड़ा सख्त ही लगाना है। तो इस तरह से हाथों की सहायता से इसे मिक्स करते जाएं। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल लाल लाल सा बनकर तैयार हो रहा है। आटा हमें ज़्यादा सख्त भी नहीं लगाना है, तो ज़्यादा गीला भी नहीं लगाना है, हमें मीडियम ही रखना है, वो मैं आपको बता दूंगी। अब इसमें हम थोड़ा सा और डाल लेंगे, हमें सादा पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं है, इसी से हमारा आटा लगकर तैयार हो जाएगा। कई लोग बीटरूट खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, तो उन लोगों को ये बहुत ही हेल्दी चीज़ है, ये खिलाना इस तरह से बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप देख सकते हैं इन पूड़ियों में हमने सिर्फ अजवाइन, नमक और ये बीटरूट का पल्प ही मिलाया है, और हमें इसमें कुछ और मिलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं इस तरह का डो बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा तेल या घी अपने हाथों पे इस तरह से लेके इसे चिकना बना लेंगे। और इसी तरह से इसे हम एक बर्तन में निकाल कर या तो गीले कपड़े से ढककर रख लें, और या फिर किसी और प्लेट से इसे ढककर रख दें। तो इस तरह से हम निकाल कर इसको करीब 15 से 20 मिनट सेट होने के लिए रख देंगे। तो जब तक हमने बीटरूट का आटा लगा कर रखा है वो गलेगा, जब तक हम पालक का भी इसी तरह से लगा लेते हैं। उसके लिए भी हमने एक बाउल आटा लिया है गेहूं का, और सेम परात में ही हम इसे ओसन लेंगे। इसी तरह आधी छोटी चम्मच हम इसमें नमक मिला लेंगे, चौथाई चम्मच हम इसमें अजवाइन की लेंगे, वो भी सेम प्रोसेस है, इस तरह से हाथ में ले लें और उसे इस तरह से हाथों से थोड़ा हल्का क्रश कर लें, और अब इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस नमक को और अजवाइन को इस तरह से आटे में मिला लें। अभी पालक की जो पेस्ट हमने पीस के रखी है इसको भी कुछ नहीं किया हमने, अच्छी तरह से धो के मिक्सी में महीन पेस्ट बना लिए बस। तो इस आटे में थोड़ा थोड़ा मिलाते जाएं और इसका भी डो तैयार कर लेंगे। पालक भी खाना कई लोगों को पसंद ही नहीं है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा ये एक विकल्प है कि इस तरह से पूरी की पूरी और पालक भी पालक। इसी तरह अब इसमें हम थोड़ा सा और मिला लेंगे, थोड़ा थोड़ा कर कर ही मिलाएं, एक साथ डालने से आटा काफ़ी गीला हो सकता है तो उसकी पूड़ियाँ अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि हमें डो थोड़ा सख्त ही रखना है। तो आप देख सकते हैं जो पालक हमने पीस के रखा था उसी में अच्छी तरह से ये बनकर डो बनकर तैयार हो चुका है, हमें दूसरा पानी और लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये इस तरह की पूड़ियाँ बहुत ही हेल्दी है और उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है जो लोग पालक हुआ बीटरूट हुआ खाना बिल्कुल ही पसंद नहीं कर सकते।
इसी तरह हम हाथ में थोड़ा सा तेल ले लेंगे या घी ले लेंगे और उस आटे को इस तरह से थोड़ा चिकना करके रख लेंगे। ऐसा करने से आटा एक जैसा बनकर तैयार होता है और सॉफ्ट भी बनती है, इससे पूड़ियाँ एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। इसलिए थोड़ा सा घी या तेल लगाना इसमें जरूरी है। इसको भी इसी तरह हम एक बाउल में ढक कर रख देंगे, या तो कपड़े से ढक लीजिए या इस तरह से प्लेट से ढक कर एक तरफ अलग रख देंगे। इसी तरह सेम परात में हम एक बाउल आटा ले लेंगे, ये भी हमने गेहूं का आटा ही लिया है, इसका भी सेम प्रोसीजर है। आधी छोटी चम्मच हम नमक मिला लेंगे, थोड़ी सी अजवाइन इस तरह से हाथ में ले लेंगे, करीब आधी छोटी चम्मच है ये भी, और हाथों से इस तरह से क्रश कर कर इसमें मिला लेंगे। और इसमें मिलाएंगे हम ये हल्दी, करीब एक छोटी चम्मच मिला लेंगे, जिससे इसका कलर अच्छा है। आपको अगर कम लगे तो थोड़ा सा और मिला सकते हैं। इन सबको अच्छी तरह से आटे में मिक्स कर लेंगे, नमक को, अजवाइन को और हल्दी को। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और एक सख्त आटा हमें लगाना है। ध्यान रहे आटा ज़्यादा सख्त भी ना हो और ना ज़्यादा गीला हो। आप देख सकते हैं हल्दी डालने से इसका कलर कितना ही प्यारा आया है। बस इसी तरह से हमने ये सारे तीनों आटे लगा लिए और इनको हम ढककर करीब 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। इस पर भी इसी तरह से तेल लगा लेंगे और इसको भी हम करीब 15 मिनट के लिए रख देंगे इस तरह से ढककर। तो आप देख सकते हैं हमने जो ये पालक, बीटरूट और हल्दी का जो आटा लगाकर तैयार किया था पूड़ी के लिए, आप देख सकते हैं ये करीब 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और ये बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो गए हैं। अब मैं आपको बेल कर और तल कर बताती हूँ। तो इस तरह से हम इस सबसे पहले पालक का एक बड़ा सा डो टुकड़ा, मतलब रोटी का, हम तोड़ लेंगे पूड़ी का और इस तरह से हम लंबा कर लेंगे इसे। ये पूड़ी बेलने का बहुत ही इजी मेथड है और फटाफट पूड़ी बेल जाती है। आप अकेले भी कर सकते हैं, दो जने हो तब तो ठीक है, नहीं तो एक अकेला इंसान भी इसे बेलकर तल के बना सकता है। तो इस तरह से हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे जिस साइज़ की हमें पूड़ी चाहिए। ऐसा करने से समय की बचत होती है, वो ऐसे कि इस तरह से अगर तोड़कर हम गोल पेड़ा बनाएंगे तो इसमें समय लगता है, और ये फटाफट, ये देखिए हल्का सा प्रेस किया और गोल बन जाता है। और जब तक हम पूड़ियाँ बेलेंगे गैस पर, हम एक कढ़ाई में इस तरह से तेल रख लेंगे ताकि ये भी अच्छी तरह से गर्म हो जाए। इसी तरह से इसका आटे की भी हम लोइयां बना लेंगे। ये हल्दी के आटे की भी इसी तरह से लोइयां बना लेंगे। लोइयां हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसे हल्का सा इस तरह प्रेस करके थोड़ा सा तेल में डिप कर लेंगे हल्का सा, और इस तरह से गोल गोल हम पूड़ियाँ बेल लेंगे। ज़्यादा पतली नहीं बेलें, नहीं तो वो कड़क हो जाती है, हल्की मोटी ही रखें। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने ये बीटरूट की, पालक की और हल्दी की सारी पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर ली है। अब तेल अच्छा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालकर इसको तल लेंगे। तेल अच्छा गर्म हुआ है ये चेक करने के लिए हम इस तरह से एक छोटी सी आटे की लोई इसमें डाल देंगे। अगर ये तुरंत ऊपर आ जाए तो इसका मतलब तेल अच्छा गर्म हो चुका है। हम थोड़ा और गर्म कर लेंगे तेल को। तो आप देख सकते हैं तेल अच्छा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें पूड़ियाँ डालेंगे। तो आप देख सकते हैं रंग बिरंगी पूड़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे निकाल कर
और एक किचन टॉवल पर इस तरह से हम इसे छोड़ देंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल इसमें सोख ले। हमारी रंग बिरंगी पर हेल्दी पूड़ियां बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसे गर्मा गर्म सर्व करें भाजी के साथ और किसी भी अच्छी डिश के साथ, पालक पनीर हुआ, कोई भी डिश के साथ अब इसे सर्व करेंगे तो सब लोग ही इसे बहुत अच्छे और चाव से खाना शुरू कर देंगे। यह है पालक और बीटरूट से बनी गर्मा गर्म पूड़ियाँ। पर रुकिए रुकिए, अभी ये वीडियो पूरा नहीं हुआ। ये था उन बड़े लोगों के लिए जो पालक और बीटरूट से परहेज करते हैं। अब इसी में एक और ट्विस्ट है, वो मैं अब आपको बताती हूँ। ये है बच्चों के लिए खास। तो हमने इस तरह से ये तीनों आटे ले लिए हैं, पालक वाला, बीटरूट का और हल्दी से बना हुआ। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा हम आटा ले लेंगे और इसे गोल, अच्छी तरह से गोल करने के बाद इस तरह से हम इसे एक इस तरह से लंबा बनाते जाएंगे। ये है खास बच्चों के लिए। हम उन्हें खुश भी कर सकते हैं और इस तरह से हम उन्हें हेल्दी खाना भी खिला सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे पतली पतली एक रस्सी की तरह से बना लें। इस तरह से करें, ये पूरी इक्वली होनी चाहिए, कहीं से मोटी कहीं से पतली इस तरह से ना करें, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। तो ये एक बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह से हम इस हल्दी के आटे की कर लेंगे। ये बच्चों के लिए है और बच्चों की जैसे कभी घर में बर्थडे पार्टी अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन्हीं के और भी बच्चे आ रहे हैं, वो लोग भी इन चीज़ को अवॉइड ही करते हैं क्योंकि आज की जनरेशन तो पास्ता, मैगी, इस तरह की चीज़ें खाना पसंद करती है। तो उन तक हम हेल्दी खाना, हेल्दी फूड किस तरह तक पहुँचाए और वो खुश भी हो जाए, तो ये एक मैंने बहुत अच्छा एक तरीका निकाला है। अब आप सोच रहे होंगे इन मोटी सी पतली पतली रस्सियों के साथ किस तरह से पूड़ियाँ बनेंगी, वो मैं आपको बताती हूँ। हमने करीब तीनों को एक ही लंबाई में बना लिया है। अब हम इसको इस तरह से तीनों को एक साथ पकड़ेंगे और इस तरह से इनको ऊपर का सिरा हम चिपका देंगे थोड़ा सा, हल्का सा प्रेस करके इस तरह से। और इसकी हम जिस तरह से चोटी बनाते हैं उसी तरह से हम इसे गूथ लेंगे। देखिए, आप वीडियो में देख सकते हैं, इसी तरह से हम इसकी छोटी सी बना लेंगे। दिखने में इतनी सुंदर दिख रही है, बच्चे तो इसे जरूर ही खा लेंगे। लास्ट में भी सीरे को इस तरह से हल्का सा प्रेस करके चिपका लें। जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हम कट कर लेंगे इस तरह से। इसको हल्का हल्का सा इस तरह से रोल करके घुमा लें ताकि ये सब एक दूसरे से अच्छी तरह से चिपक जाए। अब इसी तरह से हम इसे थोड़ी बड़ी बड़ी कट कर लेंगे। बस बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लोइयां बनकर तैयार हो चुकी है। एक तरफ हम तेल भी अच्छा गर्म कर लेंगे और इसी तरह से हल्के से तेल में इसको डिप करते हुए इस तरह से प्रेस कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इन सबको बेल लिया है, तेल भी एक तरफ गर्म हो चुका है। तो आइए अब इन पूड़ियों को हम तल लेते हैं। देखिए ये तलकर एकदम तैयार है। अब इस तरह से हम एक प्लेट में इन्हें निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी रंग बिरंगी दिख रही है और है बिल्कुल हेल्दी। बच्चे पूरी खाना तो पसंद करते हैं लेकिन इस तरह से अगर आप उन्हें बना के देंगे तो और भी अच्छा रहेगा, उनके हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। सो आशा करती हूँ मेरा आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।